सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैंने बनाया था करेला स्टफ करेला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, बहुत ही यम्मी लगता है और करेला जैसा लगता भी नहीं है। और मैंने बनाया था पोहा और यहाँ पे दो कैटलेट बनाए थे साबूदाना वड़ा। तो बस हम जा रहे हैं और अब बस खाने के बाद मैं आ गई हूँ पार्लर। सो जस्ट आज हस्बैंड जी घर में थे तो मैंने सोचा चलो आईब्रोज मेरे बहुत बढ़ गए थे, तो वैसे तो मेरी गिया दीदी करती थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम पार्लर में आई हूँ और मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगता है पार्लर में जाना, क्योंकि मैं कभी जल्दी जाती नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली मैं गई हूँ। मुझे लगता है 4 या 5 बार गई होंगी अभी तक, और जब से दीदी थी और बिंदु दीदी तब मैं उन्होंने पार्लर सीख रखी है तो मैं उनसे ही करा लेती थी, तो मुझे पार्लर जाना नहीं पड़ता था। और यहाँ पे एक्चुअली घर के नीचे ही अच्छा पार्लर है तो मैं वहाँ पे सोची जाने के लिए, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों आज के दिन सारे के सारे पार्लर बंद थे, बट ये एक पार्लर खुला मिला। तो जैसे एंट्री करते हुए मैंने सोचा ये छोटी सी बच्ची ये लड़की कैसे करेगी, बट मेरे से कोई नहीं, चलो अब पीयू को भी छोड़ के आई हूँ पापा के पास तो मैं करा लेती हूँ। और बहुत जल्द में थी तो मैंने सोचा फेशियल भी करा लूँ, बट इतना स्लो ये जो है आईब्रो कर रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट भी हो गई। और मुझे एक जगह इस तरह से बैठना पसंद नहीं है, और दीदी कैसे करती थी उनको ही पता है कि मैं किस तरह से अपने आईब्रोज कराती थी और मुझे करते वक्त बहुत छींक आती है, पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल किया है मुझे पता नहीं क्यों, जब कहते हैं ना घर के लोग करते तो हमारे नखड़े भी बहुत होते हैं, हम बाहर जाके थोड़ा पेशेंटली बैठ जाते हैं कि मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है मैं इतनी शांत बैठी हूँ, अदरवाइज़ मैं इतने से करने के लिए दीदी को बहुत परेशान करती थी। और मैं बहुत बहुत मिस कर रही हूँ दीदी को, जो कि मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मैं घर आ चुकी हूँ तो मैंने सोचा था फेशियल करा लूँगी, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं मैं खुद से कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत मुझे आ गया है करना, तो मैं यहाँ पे ब्लीच कर रही हूँ और ये ब्लीच है ऑक्सी ब्लीच और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ये ऑक्सी ब्लीच, आप देख सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से इसे लगा लिया है, ये रहा ऑक्सी ब्लीच और तो मैंने सब घर में ही करना पसंद किया। और मेरे पास था ये ग्लो वाइट का फेशियल शेरिल का किट, तो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, आप किसी ने यूज़ किया तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना ये शेरिल का फेशियल। और इसमें कुछ 5 स्टेप आते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी फेशियल के एक वीडियो शेयर किए, बस वही स्टेप आपको यूज़ करने हैं और इसमें जैसा इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही आपको करना है और कुछ भी अलग एक्स्ट्रा नहीं करना है। और बस ये भी मैं फेशियल खुद से ही करने वाली हूँ और ये इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आता है फ्रेंड्स। और जो लोग शेरिल का फ्रेंड अगर आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करते तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका और पार्लर में भी इसका 1000 से स्टार्टिंग रेंज है और बहुत ही अच्छा है। और ये पैकेट मुझे मिला था अराउंड 200 रुपीज़ में, मैंने यहाँ डिस्काउंट में मुझे मिला था, बहुत टाइम ले लेते थे तो मैंने सोचा चलो घर में ही फेशियल कर लेते। तो मैं शेरिल का फेशियल करने वाली हूँ, इसका मैं आप लोगों को शेयर करूंगी इसका रिजल्ट। फेशियल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की, बस वही स्टेप फॉलो करने, सो आप लोग देखेंगे मुझे थोड़ी देर के बाद। साइमल्टेनियसली खाना बनाना पड़ता ही यार, चाहे आप कितने भी बिजी हो। तो आज का शेड्यूल मेरा थोड़ा सा बिजी है, यहाँ पे मैंने पीयू के लिए बना दिया दाल चावल और सुबह मैंने बनाया था करेला माई फेवरेट, सो इसे मैं खाऊंगी और पीयू को भी खिलाऊंगी। और थोड़ा सा मैंने अचार लिया, मॉम ने मुझे दिया, बहुत ही टेस्टी अचार है इसलिए मैं इसे खाऊंगी। और अब मैं आ चुकी हूँ अराउंड 8 o'clock मॉम के घर और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ फ्रेंड्स। और दोपहर से बैठी थी, इतना आइडिया ही नहीं था कि कि मेहंदी लगाऊँ या कुछ करूँ, बट दीदी ने फ़ोन करके बोला कि आप मेहंदी तो लगा ले, ऐसे रहता है ना कुछ फंक्शन हो तो आप थोड़ी सी तैयारी करो तो ऐसा लगता है हाँ कुछ समथिंग स्पेशल होने वाला है, कुछ अच्छा अच्छी वाइब्स आती है। तो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना और हैप्पी रहना, ये सब तो मौका होता है जब हम औरतें सोचती है कि हाँ चलो आप किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है या समथिंग, तो इस तरह से अपने आप को पैम्पर करना बहुत अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगता। तो जस्ट मेरी भाभी का कॉल आया था कि हाँ वहाँ पे कोई है मेहंदी लगाती हैं, एक्चुअली मैंने किसी और को बोल रखा था बट वो नहीं आई, तो मैंने सोचा चलो कोई भी नहीं। और मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और समटाइम्स जब ऐसा टाइम आता तो ऐसा लगता है काश मैं सीख ली होती। तो एक बार मैंने ऐसा ड्रॉ किया था तो मैंने पेन से ड्रॉ करके मेहंदी लगाया था, बहुत ही वह हंसी थी और मुझे बहुत ही फनी लगा था वो मैं इस बार भी सोची कुछ ऐसे करूँगी, बट मूड नहीं था।
और दीदी नहीं है तो यू नो जितने लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं किसकी इन किन की बात कर रही हूँ। सो गीता दीदी थी, वो सब सब पार्लर का काम करती थी, तो सब मेरा फेशियल एब्रो सब वही करती थी। तो इस बार सच में बिल्कुल भी मूड नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, भाभी भी फ़ोन कर ली कि हाँ चलो हमारे यहाँ कोई है मेहंदी लगा, तो मैं मम्मी क्या भागी भागी गई। और ये जो है बहुत ही अच्छा मेहंदी लगा रही, और ये भी एक मेरी स्टूडेंट ही निकली, स्टूडेंट इन द सेंस स्टूडेंट की फ्रेंड, और हमारे पास घर के नीचे रहती है। और ये बच्ची जो है ना श्वेता सिंह नाम है, बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया इन्होंने, और ये पार्लर यू नो मेहंदी का इनका हॉबीज़ है। और मैंने इनके मेहंदी के जो फ़ोटो देखे, ओ माय गॉड इतने अच्छे अच्छे इन्होंने दुल्हन मेहंदी निकाले। अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप थाने में रहते तो ज़रूर मुझे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको यू नो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, मैं इनके नंबर दे दूंगी। और ये सच में इतना ब्यूटीफुल मेहंदी निकाले थे कि मैं इम्प्रेस हो गई सच में। और ये मेहंदी निकालते वक्त भी मैं शांत बैठी हूँ, ओ माय गॉड मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी शांत बैठी हूँ, और बोल रहे हैं कि आप हिल नहीं रही हो इतना। अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा हिलती हूँ, मुझे एक जगह बैठना बोलो तो ओ माय गॉड मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बट मैं बैठ गई इतना, तो मुझे बहुत सरप्राइज़ लग रहा है। मैं गीता दीदी को भी फ़ोन करके बोली कि मैं आराम से मेहंदी लगा ली बैठ के, तो सब हंस रहे थे घर में कि ललिता तू कैसे इतना देर तक बैठ गई। सच में मैं बहुत ही यू नो यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ दौड़ती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा, लेकिन एक जगह बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मेहंदी लगाने के लिए मैं बैठ गई। सो कैसा लगाया मेहंदी आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स करके बताना। और बस मेहंदी लगाने के बाद जो है मैं पीहू भी एक्साइटेड थी, तो पीहू को भी मेहंदी लगाया, वो भी आप पूरे पूरे ब्लॉग देखना। और बस ये मेहंदी आप लोग एंजॉय कीजिए, कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ये रहा मेरा आज का पूरा कह सकते हो बिजी शेड्यूल, बिजी रूटीन, और दैट्स इट फ्रेंड्स। तो आप लोग एंजॉय कीजिए ये मेहंदी। Progress, good things go slow. I'm no saint. I fall and you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in and I guess I kinda like that. For the first time you really got my back. With.
निकिल लगाएगा, निकिल लगा मुंह पे, चटनी कुछ बना दे निकिल का, खाने लगी। वाह पीहू, पूरा हाथ भर के लगाई थी, कितना लगाया था यार, उसको वीडियो डाली हूं मैं, बैठ के आराम से लगवाई थी। वाओ हटो हटो मुझसे, ब्यूटीफुल पीहू ब्यूटीफुल। लगो इल्लो नहीं, यदि मेहंदी लगाते है ना उसको फुक के सुखा दो। हाँ It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. तो क्या बोलते पीयू, व्हाट इज दिस? हाँ पाइपल पाइनएप्पल। हाँ मेरे पीयू को पता है, बाय कर दो, बाय बाय बाय। हाँ वाटर मैन है, इधर है वाटर मैन है, वाटर मैन है पपाया, वाटर मैन है। क्या है क्या है, चलो बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय।